आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS। ओके, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वो स्टार्ट हुआ था इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इन 1994 में दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो स्कीम है स्कीम वॉज स्टार्टेड इन दिल्ली बाय फैमिली वेलफेयर बाय फैमिली वेलफेयर एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था इंडियन ओके तो ये जिसकी में वो स्टार्ट कब हुआ था 1954 में दिल्ली में किसके थ्रू फैमिली वेलफेयर एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू। ओके नेक्स्ट है इसमें ये जो स्कीम है वो एक्सटेंड हुआ था 17 सिटीज़ में जो भी इंडिया के अंदर 17 सिटीज़ है उनके अंदर इसको इसका यूज़ किया गया था लाइक एज जो 17 सिटीज़ है उनका नाम है इलाहाबाद जयपुर कोलकाता अहमदाबाद बेंगलोर लखनऊ पटना पुणे कानपुर गुवाहाटी एंड चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। तो ये इतनी जो 17 सिटीज़ है वहाँ पे एक्सटेंड हुआ था ये स्कीम CGHS। ओके इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देखेंगे कि इस स्कीम के सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इनका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हेल्थ अवेयरनेस प्राइज प्रिवेंट देन प्रमोट। ओके तो ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इनका क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि हेल्थ के लिए अवेयर होना है। ओके हेल्थ के लिए अवेयर होना है देन प्रिवेंट करना है जो भी डिसीज़ कंडीशंस है उनको प्रिवेंट करना है एंड प्रमोट करना है हेल्थ को। ठीक है, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। ठीक है, और क्या है इसका इसके अंदर जो इस स्कीम के अंदर जो है उसका जो प्राइस है वो बहुत लो रखा गया। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर कि हेल्थ का के प्रति अवेयरनेस देन प्राइस लो रहता है। ठीक है, देन प्रिवेंट हेल्थ मतलब जो भी डिसीज़ कंडीशंस हो रही हैं उनको प्रिवेंट करना है देन प्रमोट करना है हेल्थ को। ठीक है, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से पीपल्स को CGHS की स्कीम की बेनिफिट मिलता है। ओके तो पीपल कौन कौन से किन किन को बेनिफिट मिलता है ये वो हम देखेंगे। पीपल कवर्ड इन CGHS। ठीक है, कौन से पीपल्स को ये मिलता है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, पेंशनर्स जिनको पेंशन मिलती है, ठीक है, देन मेंबर्स एंड एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी मेंबर्स और एक्स मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उन्हें एंड एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके देन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के। ओके जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट,
फ्रीडम फाइटर्स। ओके, फ्रीडम फाइटर्स और जो एक्स गवर्नमेंट एंड एक्स प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनको भी, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये सारे जो पीपल्स हैं वो कवर्ड करते हैं CGHS को, ठीक है। कौन कौन से? ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, देन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं उनको CGHS का बेनिफिट मिलता है। देन पेंशनर्स, जो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलता ही है, वर्क करते थे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको। देन मेंबर्स जो भी हैं, एक्स मेंबर या मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनको। देन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। देन फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको CGHS का बेनिफिट मिलता है। देन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एक्स गवर्नमेंट गवर्नर सॉरी एक्स गवर्नर्स एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको इनको वो मिलता है एंड बेनिफिट मिलता है, गवर्नर्स ऑफ इंडिया। ओके, एक्स गवर्नर एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो थे जिन लोगों को CGHS का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, ठीक है। तो क्या क्या मतलब किन लोग क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट। कंपोनेंट्स CGHS, ओके। तो इसमें आएगा, इसके अंदर सारी जो भी डिस्पेंसरी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग डोमिसलरी केयर, मेडिकल केयर, सारी कुछ इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो हम लिखेंगे ऑल डोमिसलरी केयर, ब्रैकेट में मेडिकल केयर, देन सारे जो भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन लाइक ECG, लैब टेस्ट सारे आ जाएंगे, एक्सरे, ठीक है, जो भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है एक्सरे, ECG और जो भी इसके अंदर ब्लड टेस्ट होगा सब कुछ इनके अंदर इंक्लूड होगा। देन हॉस्पिटलाइजेशन भी इनके अंदर इंक्लूड होगा कि हॉस्पिटल में जब कोई एडमिट होगा तो वो भी इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिलेगा उन्हें, हॉस्पिटलाइजेशन। देन मेडिसिन सप्लाई, ओके, इन सब का बेनिफिट मिलेगा। ये सारी केयर्स उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, हॉस्पिटल केयर, मेडिकल केयर, ECG, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन सप्लाई, ये सब इसके अंदर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े। देन हमने ऐसे पहले पढ़ा कि क्या क्या बेनिफिट्स थे, उससे पहले हमने पढ़ा कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ स्टूडेंट, जो CGHS प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 1954 में स्टार्ट हुआ था ये स्कीम दिल्ली में। ओके, इस स्कीम ने एक्सटेंड किया 17 सिटीज़ जो भी हैं ऑल ओवर द इंडिया, उनमें ये 17 सिटीज़ में इसको एक्सटेंड हुआ। देन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े, अवेयरनेस प्राइज, हेल्थ अवेयरनेस एंड प्राइज लो होगा, देन प्रिवेंट करना है हेल्थ जो भी डिजीज कंडीशंस है उनको, देन प्रमोट करना है हेल्थ को, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। देन हमने पीपल्स देखे कि कौन कौन किस किस को इसका बेनिफिट मिलता है, वो थे ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, देन पेंशनर्स, मेंबर एंड एक्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देन एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स गवर्नर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स जो भी इंडिया के हैं, उन्हें ये स्कीम का बेनिफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़े कंपोनेंट्स, क्या क्या मिलता है इस स्कीम्स में, जो भी डिस्पेंसरी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग डोमिसलरी सर्विसेज केयर एंड मेडिकल केयर, ECG, एक्सरे, देन लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, हॉस्पिटलाइजेशन,
एंड जो भी मेडिसिन सप्लाई है वो सारे का सभी चीज़ का बेनिफिट मिलता है जो भी CGHS में के अंदर इंक्लूड होते हैं लोग। ओके सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है यहाँ फिनिश होता है। आपको यदि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है सो प्लीज़ आस्क मी एंड थैंक यू क्लास।